दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज पब्लिक रिएक्शन भारत यूट्यूब चैनल का इस प्रदीप साहू के साथ में। बिग न्यूज सामने निकल कर आ रही है, रोहित शर्मा का बड़ा रिएक्शन T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद में T20 से संन्यास लेने के बाद में रोहित शर्मा अब टेस्ट ODI को क्या कह सकते हैं। अलविदा रोहित शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा और क्या दर्शाया, इससे आपके लिए बताएंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है रोहित शर्मा की जुबानी। रोहित शर्मा ने खुद बताया इस बात को लेकर, क्या कहा रोहित शर्मा ने टेस्ट को और T20 को तो अलविदा कहा, अब क्या ODI को भी अलविदा कहेंगे या फिर टेस्ट को अलविदा कहेंगे। रोहित शर्मा ने साफ स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, आगे बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, क्रिकेट की न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करते जाएं। जैसे कि गाइस आप सभी लोग जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और शानदार तरीके से हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इन सभी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था गाइस। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने इन तीनों ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अब रोहित शर्मा का एक बयान और एक शब्द सामने आया, रोहित शर्मा ने कहा है अहम T20 से तो संन्यास ले चुके हैं और ये मेरा लास्ट मैच था, अच्छा मैच था, जाने कि उस मैच की यादें हमेशा मेरे साथ बरकरार रहेंगी। जिस प्रकार से हमने ट्रॉफी उठाई थी लास्ट मैच जीत कर T20 का, मेरे जीवन का सबसे सुंदर और सरल मैच था। इसी प्रकार से जो मैंने मैच खेले हैं और लास्ट मैच, इससे बढ़िया कोई सा भी मैच नहीं हो सकता था मेरे लिए T20 क्रिकेट से संन्यास लेने का, इसीलिए मैंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया। उसके बाद में रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ी। रोहित शर्मा ने कहा टेस्ट और वनडे से भी मैं ले सकता हूँ संन्यास, इसके लिए मैं कभी भी आगे की भविष्यवाणी नहीं कह सकता और तुरंत की तुरंत कभी भी संन्यास ले सकता हूँ। यानी कि रोहित शर्मा के शब्दों में साफ साफ झलक सुनाई दे रही थी गाइस, कभी भी रोहित शर्मा T20 से संन्यास लेने के बाद में टेस्ट और ODI से संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि शानदार प्लेयर है। और वो इसलिए क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका जो करियर है वो शानदार तरीके से युवा खिलाड़ियों के ऊपर न्यूछावर कर रहे हैं। जिस प्रकार से युवा खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो अभी अगर रोहित शर्मा ने कहा संन्यास लिया T20 से तो संन्यास ले लिया है, और ODI और टेस्ट से संन्यास लिया रोहित शर्मा ने, तो विराट कोहली और रविंद्र जडेजा भी मेरे ख्याल से पीछे नहीं रहने वाले और वो भी इनका बखूबी साथ देंगे और संन्यास ले सकते हैं। तो गाइस आप भी अपने कमेंट में राय रख सकते हैं और बता सकते हैं कि रोहित शर्मा एक बार फिर से चौंकाने वाले हैं अपने सभी दर्शकों के लिए T20 के बाद टेस्ट और ODI से संन्यास लेके। तो गाइस इस बात को कमेंट में जरूर बताएं गाइस, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं चुटकियों में। अपने बल्लेबाजी के दम पर जब उनका बल्ला गरजता है, चलता है, तो अच्छे अच्छों की मट्टी काट देता है। जिस प्रकार से चौके छक्कों की वो लहर लगा देते हैं और एक भयानक पारी खेल के दिखाते हैं, जो उस पारी में भयानक रूप होता है, बॉलरों की धज्जियां उड़ी होती हैं, बॉलरों के चेहरे के रंग उड़े होते हैं, इस प्रकार से वो बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। पर अब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी समझ में आ रहा है, हम कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा जताएं और हमने खेल लिया, बहुत प्रदर्शन अच्छा किया, अब उसके बाद में हमें भी संन्यास लेना चाहिए। तो मैं गाइस स्पष्ट कर दूं, जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेली जाएगी, TL खेला जाएगा, यानी कि टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी खेली जाएगी, उसके बाद में रोहित शर्मा हो सकता है संन्यास ले लें दोनों फॉर्मेट से, ODI और टेस्ट से भी। तो गाइस आपकी क्या राय, क्या रोहित शर्मा उसके बाद संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे, कमेंट में बता सकते हैं गाइस। शर्मा ने कहा वो मैंने आपके लिए बताया गाइस, रोहित शर्मा की जुबानी, रोहित शर्मा ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया कभी भी संन्यास ले सकते हैं, उनका साफ साफ बयान है, मैं आगे का फ्यूचर का कभी कुछ नहीं कह सकता, जब मेरे माइंड में होगा और मुझे दिखेगा अच्छा मैच मेरे गुजरेगा तभी मैं तुरंत ही संन्यास ले सकता हूँ, चाहे वो ODI हो या टेस्ट फॉर्मेट, मैं जल्दी से जल्दी टेस्ट में और ODI में संन्यास लेने वाला हूँ। रोहित शर्मा ने ये मीडिया रिपोर्ट में कहा जब अमेरिका में एक
चर्च जाने की सेरेमनी में थे रोहित शर्मा, तब उन्होंने अपने मीडिया के सामने ये बात रखी। जब मीडिया ने उनसे ये पूछा तो रोहित शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी। जी के साथ ही रोहित शर्मा के इन शब्दों के साथ ही गाइस, आपके लिए हमारी वीडियो पसंद, वीडियो को एक अपना प्यारा सा लाइक देते जाएं, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और एक अपना प्यारा सा कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहे क्रिकेट न्यूज पब्लिक रिएक्शन भारत यूट्यूब चैनल गाइस।